नमस्कार दोस्तों, मैं फिर इस नई वीडियो में आपके साथ। तो भाइयों, ये जो सड़क है ये है NH1, पुराना NH1 यही था। अभी जो है बाहर बना दिया गया है, लेकिन ये सिटी के अंदर से था। और वहाँ पीछे हमने करण पार्क दिखाया था, करण पार्क से निकलते ही ये रोड सीधा आ रहा है और ये सीधा जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ। और ये बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर चल के सामने कैंटोनमेंट चर्च टावर। कैंटोनमेंट चर्च टावर जो है ब्रिटिश टाइम की इमारत है। और जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं करनाल से, तो राइट साइड में ये इमारत पड़ेगी। तो लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके यहाँ लेफ्ट साइड में NDR नेशनल डेयरी रिसर्च कॉरपोरेशन है। और ये राइट साइड में यहाँ पर ये चर्च टावर है, और चर्च टावर के साइड में कब्रिस्तान है। तो ये भाई कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, कुछ भी कह लो, ये है। और इसकी बगल वाली जो इमारत है ये कैंटोनमेंट चर्च टावर है। तो भाई ये एक हिस्टोरिकल श्राइन है और नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है। अभी जो है ये इमारत इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने एक इसको डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घोषित किया है। एक्चुअली सेंट जेम्स चर्च था यहाँ पर करनाल में, जो सेंट जेम्स को जो डेडिकेटेड था। और ये जो टावर है भाइयों, ये टावर 35 मीटर ऊंचा है और ये जो है ये कहते हैं कि 7 किलोमीटर दूर से इसको देखा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 7 किलोमीटर दूर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये कहते हैं भैया, जो ये चर्च टावर था सेंट जेम्स चर्च जो था करनाल में, बनवाया गया था 1806 AD में ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और जब कैंटोनमेंट चर्च यहाँ से शिफ्ट हुआ अम्बाला, तो चर्च को डिसमेंटल कर दिया गया था, ये टावर रह गया था। क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो टावर को डिसमेंटल करने के पक्ष में नहीं थे। उस समय जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर जो सिख मिलिट्री थी वो हावी होती जा रही थी, और उन्हीं के चैलेंजेस से मीट करने के लिए टावर बनवाया गया था। ठीक है, तो ये जो टावर है ये 4 स्टोरी है, और फर्स्ट स्टोरी जो है इसकी, उसमें जो है कहते हैं एट्रूस्कन प्लास्टर का यूज़ किया गया है। यानी हमारी जो पुराने ज़माने का जो प्लास्टर होता था, प्लास्टर लाइमस्टोन पीस के बनाया जाता था, और वो जो प्लास्टर था और जो अभी तो ये बाहर से रिन्यू कर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, आर्किटेक्चर द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है अब ये इमारत। तो अभी वो प्लास्टर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बाहर से। और भाई ये जो है चर्च की बिल्डिंग थी सारी इस जगह में, लेकिन अभी ये टावर ही टावर रह गया है। और भाई ये पुरानी इमारत है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ टावर है 35 मीटर ऊंचा, जिसको पुरानी चीज़ों का देखने का शौक हो वो आ सकता है। बाकी मुझे यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसको बहुत ज़्यादा लोग देखने आए। हाँ, पेड़ पौधे हैं यहाँ,
रुक के 5-7-10 मिनट बैठा जा सकता है। ठीक है ना, इसमें आर्ट और कल्चर वाली भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि आर्ट्स के तो बाहर निकल के भाई ये हम दोबारा उसी रोड पे आ गए हैं NH1, और यहाँ सामने मैंने आपको बताया था NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सामने दो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और भाई इसी GT रोड पे आगे है करण लेक। अगली वीडियो में चलेंगे हम करण लेक। कैंटोनमेंट चर्च टावर का वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में करण लेक में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ।